सो एज यू कैन सी फाइनली वी आर एट द पैंगोंग लेक, इंडिया चाइना बॉर्डर के नजदीक। क्रिस्टल क्लियर, जरा सा भी इम्प्योरिटी नहीं है, अंदर के पत्थर साफ देख पा रहे होंगे आप। बहुत ठंडा पानी है भाई, पूरा थ्री इडियट्स वाला माहौल बना हुआ है। लाइन से उसके जैसे सारे स्कूटर खड़े कर दिए गए, ये ऑल इज वेल वाले पिछवाड़े रखे हुए हैं। हमारी पंडी गिर गई लगता है, क्या हुआ? सिचुएशंस आर वेरी टफ हियर। So as you can see, finally we are at the Pangong Lake, India-China border के नजदीक। कुदरत की इतना खूबसूरत करिश्मा आप मिस नहीं करना चाहेंगे अपनी इस लाइफ में, एक बार जरूर आए। खैर आप जब तक यहाँ की ब्यूटी इंजॉय कीजिए, आप ब्यूटी इंजॉय कीजिए जब तक। माउंटेन उधर पीछे, चाइना ये अपना एरिया, बढ़िया अलग ही लेवल की ब्यूटी है। और ये करोड़ों देके भी आप नहीं वो कर सकते जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही शानदार जगह, बहुत ही ऑसम प्लेस है। और अभी हम लोग शाम के नाश्ते में पकोड़े वकोड़े खा रहे हैं, तो पकोड़े खा के फिर हम लोग थोड़ा सा और फोटोशूट करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो सर दो शब्द कुछ कहिए इस जगह के बारे में, कैसी जगह? खूबसूरत जगह है। हाँ, and I have never seen a place like this. We have seen this many times in videos, but seeing from your own eyes is a different kind of experience. Yeah, it's, you know, something heavenly. And heavenly, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर, स्वर्गिक आनंद, नैसर्गिक आनंद, जो भी हिंदी आपको आती है आप अपने आप से बना सकते हो। So we are on the Pangong Lake. एंड बहुत तेज हवा चल रही है यार, बहुत तेज। अपने आपको पूरा कवर कर लिए हुए हैं, हमने बाइक वहाँ छोड़ी, बाइक भी फोटोग्राफी करके अभी हम लोग नीचे आ गए हैं। यहाँ पे नीचे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा थ्री इडियट्स वाला माहौल बना हुआ है। जब से शूटिंग हुई है तब से करीना वाले स्कूटर है, मैं अब दिखाता हूँ आपको। करीना कपूर वाला जो स्कूटर था वो लाइन से उसके जैसे सारे स्कूटर खड़े कर दिए गए और उस पर फोटो खिंचाते हैं लोग। करीना कपूर की ड्रेस भी अवेलेबल है, जो वो दुल्हन की कॉस्ट्यूम पहन के आई थी वो वाली ड्रेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसको पहन के भी आप फोटो खिंचा सकते हैं। उसका 500 रुपये चार्ज है, सर स्कूटर पे खाली खिंचाने का है 100 रुपये। सो हियर इज ऑल दैट स्कूटर एंड स्टफ। ये वो चक्की वाला स्कूटर भी रख दिया है लोग ने। चक्की वाला स्कूटर है, ये रख दिया है शोभाजी के लिए। बुलेट भी है और ये ऑल इज वेल वाले पिछवाड़े रखे हुए हैं। लाइन से वहां तक स्कूटर है, जाने का मतलब नहीं, साले सब एक जैसे स्कूटर। यहाँ देखे आप सीन जरा, ये छोटा सा एक टुकड़ी बन गई झील की। Just wow, just wow. No words to explain the feeling. So ये हम पैंगोंग लेक के किनारे आ गए and see the crystal clear water, यार such a clean water. और आसपास mountains, वो बर्फ वाला भी है और वो उधर है। What a crystal clear footage, man. और बहुत बहुत ठंडा पानी है यार, बर्फ।
क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जरा सा भी इम्प्योरिटी नहीं है, अंदर के पत्थर साफ देख पा रहे होंगे आप। और बहुत बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा पानी है। तो ये और थोड़ा सा हम किनारे किनारे इस पे चलते हैं, वॉक करते हैं, लेट्स गो। और यहाँ पे मतलब इसका स्पेशल बात है कि यहाँ पे उतनी रेत नहीं है, छोटे छोटे पत्थर है, रंग बिरंगे पत्थर है, जिससे जो लेक का जो व्यू है और भी ज्यादा ऑसम हो जाता है। एंड आई एम जस्ट वॉकिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द पैंगोंग लेक। एंड दिस आई कैन नॉट टेल हाउ आई डोंट हैव वर्ड्स अबाउट द फीलिंग विच आई एम हैविंग। So good morning everyone, it's today we are leaving Pangong Lake, it's a beautiful morning here in Pangong Lake and हम कल रात को stay किए, शाम को मस्त photography वगैरह की और आज हम लोग को जाने का है वापस ले। तो हम लोग यहाँ से leave कर रहे हैं, सामान वामान सब पैक हो चुका है, सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो निकलते हैं यहाँ से। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरे ख्याल से हमें यहाँ और दिन भी रुकना चाहिए था, लेकिन इटनरी और प्लान के हिसाब से एक दिन ही था। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा रुकने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और आगे हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप है चांगला पास, तो चांगला पास पे रुकते हैं और वहाँ पे मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए सी यू गाइस, होप यू एंजॉयड द लोकेशन। पीछे पीछे ये न्यूट्रल में है, क्या कर रहे हो? थोड़ा पीछे खींच रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्टैंड पे है वो, धंस जाएगा ना इसलिए पकड़े हम लोग, पत्थर लगाइए नीचे। हाँ बस ठीक है।
वो पेट्रोल भी लीक हो जाता है कभी कभी, सो द गर्ल इन हर ग्रुप फेल डाउन यहाँ पे, और बाइक भी शायद कुछ लीक हो रहा है इनके, KTM Duke 390 है। पानी ये लेग गार्ड में बचा लिया। सो अब देख पा रहे होंगे सिचुएशंस आर वेरी टफ हियर, ऑफ रोडिंग इतनी खतरनाक है, कभी भी कोई भी गिर सकता है, तो भाई जब आ रहे हो तो बहुत ध्यान से चलाने का गाड़ी यहाँ पे। ये KTM में प्रॉब्लम आया था, हाँ कूलेंट के लिए दिया नहीं है प्रोटेक्शन, ये थोड़ा आगे रहना। चलो ठीक है, गाड़ी अभी ठीक है, देखते हैं क्या अभी जाना है यहाँ से, थोड़ी टफ रोड है। टेकन आवर सेकेंड स्टॉप एट चांगला पास, जिस अबव 17,688 फीट अबव सी लेवल एज यू कैन सी। एंड इसको चांगला पास इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे चांगला बाबा का यहाँ पे मंदिर है, वो एक बुद्धिस्ट सेंट थे तो उनका मंदिर है, उनके नाम पे यहाँ का चांगला पास नाम पड़ा है। और ये पूरा मेंटेन करता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO। और आप देख सकते हैं इस मौसम में भी कितनी बढ़िया यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, पूरी बर्फ है इधर, और इधर पे उधर पीछे भी बहुत अच्छी बर्फ है। तो हमने फोटो वीटो यहाँ पे मढ़िया निकाल लिया है तिरंगे के साथ, और पूरा तिरंगा झंडा लहराता हुआ यहाँ पे। तो हम चलते हैं अंदर चांगला बाबा के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, तब तक बने रहिए। और बर्फ बहुत ही बढ़िया है यार, एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ स्नो, very decent amount of snow as per expectations, very decent amount of snow। और वहाँ पे पीछे जो पहाड़ है वहाँ पे और भी ज़्यादा स्नो है। तो चलते हैं अंदर चांगला बाबा के दर्शन करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।
एक क्या बोले वेज चाउमीन, वेज फ्राइड राइस और एग फ्राइड राइस, तीन में बताओ जल्दी। राइस क्यों खाना भाई, और कुछ नहीं है, जल्दी बताओ टाइम भी। तो हम लोग अभी इधर पांग में रुके हुए हैं, पांग विलेज जो भी नाम है, और सबने लंच वंच बढ़िया कर लिया, एग फ्राइड राइस खाया और मिल्क ले लिया फ्लेवर्ड वाला, सबके पेट भर गए शाम तक के लिए। और अभी हम तेज़ी से निकल रहे हैं, हमको सरचू पार करना है, फिर जिस्पा पहुँचना है, रास्ते में ऑफ रोडिंग है और रिवर क्रॉसिंग्स आएंगी, तो देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग रहता है, और फिर वहीं मिलते हैं आपसे और रिवर क्रॉसिंग पे, और बहुत ऑफ रोड है, तो देखते हैं कैसा आगे का रास्ता, और आपको भी दिखाते हैं।